गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये है क्लास नाइन्थ के लिए। और लास्ट क्लास तक हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था और हमने उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं हमने सारे देखे थे और उनको हमने सॉल्व भी किया था। सो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसमें ये टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम ये होता है, इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इक्वल टू और ग्रेटर टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल्स टू जीरो और पी ए इज इक्वल इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो वन है या ग्रेटर देन वन है और उसके अंदर ए जो है वो रियल नंबर है तो एक्स माइनस ए जो होगा वो उसका एक फैक्टर होगा। ये हमको कंडीशन यहाँ पर दी है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे इसमें हम देखते हैं। इसको सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन हम करेंगे उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है चेक वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड टू एक्स प्लस फोर। सो हमारा क्वेश्चन ये हमको चेक करना है, चेक वेदर x प्लस टू, हमको इसको चेक करना है कि ये x प्लस टू जो है क्वेश्चन में यहाँ पे x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो ये x प्लस टू जो है हमको चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन का फैक्टर है कि नहीं है। और दूसरा जो हमको इक्वेशन दी है वो दी है 2x प्लस फोर। सो इस क्वेश्चन में हमको दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इन दोनों का हमको चेक करना पड़ेगा कि 2x प्लस फोर इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि हमको जो फैक्टर निकालना होता है वो एक तरीके से आप मान के चलिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने जैसा ही है। तो हमको सबसे पहले चेक करना, यहाँ से हमको निकालना होगा x की वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, हमको पता है x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस टू। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू तो मिल गई कि x की वैल्यू है यहाँ पे माइनस टू। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में। सो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करने के जो हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। सो हमने ये वैल्यूज तो यहाँ पे जो हमने आप सबसे पहले यहाँ पे पुट कर दी, अब इनको हमको सिंपली सॉल्व करना है। सो टू का स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस एट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है और उसका अगर हमको पावर अगर ऑड में दिए तो माइनस ही आएगा। सो यहाँ पे माइनस एट हो गया प्लस थ्री इंटू फोर प्लस प्लस माइनस माइनस फाइव टू का टेन माइनस टेन प्लस सिक्स। सो यहाँ पे तक हमने सारे ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो माइनस एट, टू टू ज़ा फोर हो जाएगा स्क्वायर पॉजिटिव का फोर और फाइव इंटू टू इज माइनस टेन और प्लस का सिक्स। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस एट प्लस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व माइनस टेन प्लस सिक्स। अब आप देखिए यहाँ पे यहाँ पास जो पॉजिटिव की जो वैल्यूज़ हैं वो है यहाँ पे एक प्लस का ट्वेल्व है और एक प्लस का सिक्स है। तो प्लस ट्वेल्व और प्लस सिक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस का एटीन। सो
तो ये हो जाएगा प्लस का 18 और माइनस 10 और माइनस 80 हो जाएगा माइनस का 18, तो माइनस 18, तो 18 माइनस 18 आ जाएगा 0, यानी कि हमारा फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 0। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आपको देखना है कि अगर यहाँ पे 0 आता है, इफ़ द रिमाइंडर कम 0 देन ओनली द गिवन वैल्यू ऑफ x इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर 0 आता है तो ही ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो ये एक फैक्टर इसका नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है। सो करना कुछ भी नहीं था हमको इसमें, सिंपल हमने जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल उसी तरीके से करा, हमने किसको, हमने x प्लस 2 को हमने इक्वेट कर दिया, चाहे इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2, और इसकी वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया और इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। और अगर आपका आंसर लास्ट में 0 आता है देन इट इज़ दी फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये सबसे पहला था, सबसे पहला पार्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो इसमें सेकेंड इक्वेशन हमको जो दी थी 2x प्लस 4, हम इसमें भी चेक कर लेंगे। हमको पता है कि x की वैल्यू यहाँ पे वापस से माइनस 2 ही आनी है क्योंकि इसी को हमको पुट करना है। सो उसको हम x की जगह रख देंगे, सो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। सो ये बहुत क्लियर ही दिख रहा है हमको कि सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा इसका। 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 प्लस 4, 2 हो जाएगा 4 और प्लस माइनस विल बी माइनस और ये प्लस का 4, सो माइनस 4 से प्लस 4 जो हम कैंसिल करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 0। सो इस क्वेश्चन में भी हमको फाइनली जो आंसर आया वो आया 0, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 है। दैट मीन्स अगेन द x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल 2x प्लस 4। सो ये सेकेंड पार्ट था इसका। सो ये बहुत छोटा सा है, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, अब जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। सो हमको k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। इफ हमको x माइनस 1 जो है इसको हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, और जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। सो हमारे पास ये इक्वेशन है और इसमें हमको ये इसको हमें चेक करना है कि हमको सॉरी ये तो फैक्टर है इसका, इसको यूज़ करते हुए हमें इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इस k की वैल्यू कितनी है। तो हम सबसे पहले वही कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि इस x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो x माइनस 1 आपको पता है हमको वही करना है कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ जो x आएगा ये प्लस का आएगा, देखिए क्योंकि ये इधर चला गया तो माइनस से हो जाएगा प्लस, सो x की वैल्यू हो गई 1। अब इस x की वैल्यू को हम सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से हम इस k की वैल्यू को हम निकाल देंगे। सो इसको हम पुट करेंगे सो हो जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 1 का क्यूब भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के। सो ये आ गया यहाँ पे। अब प्लस 4 है ये और ये माइनस 4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 + k। अब यहाँ पे 3 + k का कोई मीनिंग नहीं है, इसको हम इक्वेट कर लेते हैं इक्वल टू 0 के बराबर। सो यहाँ पे अगर 3 + k इज इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से फिर से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि k इज इक्वल टू -3। यानी कि हमने हमें k की वैल्यू चाहिए तो हमने 3 को इक्वल टू किधर भेज दिया, तो इधर ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, यानी k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -3। सो k इज इक्वल टू -3 विल बी द फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हमको कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको एक फैक्टर थ्योरम से अगर आपको k की वैल्यू डिटरमाइन करना हो तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में हमको किसी की वैल्यू निकालना, जैसे इस क्वेश्चन में हमने के की वैल्यू निकाली, सो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।